अल्टीमेट एलियन सीरीज में हमें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? उसके अल्टीमेट एलियंस ही अल्टीमेट एलियन सीरीज को बेन 10 की सबसे ज्यादा अच्छी सीरीज बनाते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ बेन 10 के टॉप 5 अल्टीमेट एलियंस जिनको बेन ने सबसे ज्यादा यूज किया है। अब देखो, मैं इस वीडियो में बेन के अल्टीमेट एलियंस के बारे में बात करने वाला हूँ, ना कि किसी सेटेंट अल्टीमेट एलियन के बारे में और ना ही किसी अल्बिडो के अल्टीमेट एलियन के बारे में। नंबर 5, अल्टीमेट स्वैम फायर बेन 10 का सबसे पहला अल्टीमेट एलियन था और अल्टीमेट स्वैम फायर काफी ज्यादा पावरफुल है और अल्टीमेट स्वैम फायर को बेन 10 ने अभी तक 6 बार यूज किया है। और अल्टीमेट स्वैम फायर जब भी हमें अपीयर होता था तब एक अलग ही स्वैम फायर हमें दिखता था और अल्टीमेट स्वैम फायर का लुक स्वैम फायर से काफी ज्यादा अलग है। जिसने बेन 10 कम देखा है वो तो सीधा कह देगा ये कोई नया एलियन है, मगर इसका डिफरेंट लुक इस वजह से है क्योंकि स्वैम फायर एक प्लांट है और अल्टीमेट स्वैम फायर एक ट्री है। अब देखो, पौधा इन्वॉल्व होने के बाद ट्री ही तो बनेगा, ऐसे ही अल्टीमेट स्वैम फायर बनता है और अल्टीमेट स्वैम फायर ने एक बार पूरे के पूरे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अल्टीमेट स्वैम फायर जब भी अपीयर होता है वो अपने फायर बॉम्ब्स को जरूर शूट करता है। नंबर 4, अल्टीमेट बिग चिल का लुक दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है और अल्टीमेट बिग चिल जब भी अपीयर हुआ है अल्टीमेट बिग चिल ने अपने अपोनेंट को डिफीट किया ही है और अल्टीमेट बिग चिल अभी तक बेन 10 की अल्टीमेट एलियन सीरीज में पूरा 7 बार अपीयर हो चुका है। नंबर 2 और 3 में डाई हो चुका है क्योंकि ये दोनों एलियंस की अपीयरेंस ही एक ही नंबर में है, मतलब कि ये दोनों ही एलियंस 8 बार अपीयर हुए हैं, जो कि है अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट एक्वाको। और अल्टीमेट ह्यूमंगस और एक बार अल्टीमेट केविन से भी लड़ चुका है और अल्टीमेट ह्यूमंगस और ने एक बार पूरी की पूरी गुफा की चट्टान को भी उठाया, मतलब कि स्ट्रेंथ देख रहे हो बंदे की। और अब आ जाते हैं अपने एक्वाको पे। अपने अल्टीमेट एक्वाको ने भी काफी सारे पामड़े पलटे हैं। अल्टीमेट एक्वाको ने अल्टीमेट केविन जैसी म्यूटेशन को डिफीट किया है और अल्टीमेट एक्वाको ने एक बार तो एक बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोक लिया था अपनी सोनिक डिस्क की मदद से। और अल्टीमेट एक्वाको बेन 10 का सबसे ज्यादा कूलेस्ट एलियन लगता है मुझे, क्योंकि अल्टीमेट एक्वाको का एटीट्यूड ही अलग है और अल्टीमेट एक्वाको जब भी अपीयर हुआ है वो कभी हारा नहीं है। चाहे उसके सामने अल्टीमेट केविन हो, चाहे उसके सामने एल्बिडो हो, चाहे उसके सामने कोई भी हो, वो हमेशा जीता ही है। वैसे तो आप लोगों ने गैस कर लिया होगा कि नंबर 1 पर कौन सा एलियन आने वाला है। वैसे आप मेरे को ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आपको लग रहा था ये एलियन नंबर 1 पर होगा। नंबर 1 पर तो अल्टीमेट स्पाइडर मंकी है और अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बेन 10 का काफी ज्यादा पावरफुल एलियन है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी ने काफी सारी फाइट्स भी की है, अल्टीमेट स्पाइडर मंकी सेंडर से भी लड़ चुका है। अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का लुक देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एक बार तो बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गया था। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि अल्टीमेट ट्रिक्स रिक्रिएटेड में ये नया फीचर है कि एल्बिडो डायरेक्टली अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मगर ऐसा तो अल्टीमेट ट्रिक्स में भी था और बेन ने बेन 10 अल्टीमेट एलियन सीरीज में अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का पूरा 9 बार यूज किया है। बेन ने अल्टीमेट कैनन बोल्ट का 4 बार यूज किया है और अल्टीमेट वाइल्ड मट का 2 बार यूज किया है और 2 बार भी अल्टीमेट वाइल्ड मट को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है। और जैसा कि आप सबको पता होगा अल्टीमेट वेविक का बेन ने सिर्फ एक बार यूज किया है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना।